A very good afternoon to everyone. Welcome to Let's Crack Bank Exams, India's number one challenge for banking preparation. My name is Tanya, guys, and this is all about me. You can also join my classes on an Academy Learning app. आप अपन Academy Learning app पर भी मेरी classes join कर सकते हैं. My profile link is given in the description box. Description में मेरा profile link given है. मेरे special classes जो 4 बजे होते हैं, सभी students join जरूर कीजिएगा. ठीक है? This is the link to the Telegram channel. Description box में भी given है. Telegram channel join कर लो, channel के updates जानने के लिए. And yes, this is the detail of the bank exam subscription, guys. 1 year का subscription is for 5400. 2 year का subscription 6480. सिर्फ 1000 rupees का डिफरेंस है 1 year एंड 2 year के सब्सक्रिप्शन में. सब्सक्रिप्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. बच्चा, इफ़ यू यूज द कोड Tanya10 कोड यूज़ करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. अपनी प्रिपरेशन एक सिस्टमैटिक वे में करने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. सब्सक्रिप्शन इज नॉट ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, दिस इज फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कैटेगरी सिलेक्ट करो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर एंड अकॉर्डिंगली आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो आज का जो हमारा सेशन है वो मॉक टेस्ट होने वाला है. मेन्स लेवल क्वेश्चन करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ. राज आर्यन, गुड आफ्टरनून. अभय, गुड आफ्टरनून. मैंने 71 किए हैं उत्तर प्रदेश से, यानी चांस जनरल कैटेगरी. बिल्कुल चांस है अगर एक्यूरेसी है. अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने वो एक्यूरेट किए हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं. बहुत अच्छे अटेम्प्ट आप करके आए हो, बट एक्यूरेसी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं. गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं. आईबीपीएस मेंस मॉक टेस्ट होने वाला है आप लोगों का. वी विल बी डूइंग 40 क्वेश्चंस इन टोटल. हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स आप लोग करेंगे. ठीक है? हेलो प्रियंका, वेलकम टू द क्लास. आई एम गुड राहुल, एकदम बढ़िया. चलिए देन, इफ यू गाइज आर रेडी देन हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. माई कोड इज Tanya10 गाइज. जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हो, आप लोग इस कोड को जरूर यूज कीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. मैम, मैंने 78 किए हैं, बट सेफ साइड 71 लेकर चल रहा हूँ. इट्स अ गुड अटेम्प्ट करंट अफेयर्स. या इट्स अ गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है. अगर आप 71 सेफ साइड लेकर चल रहे हैं, दैट मीन 71 आप कहते हो कि आपके एक्यूरेट हैं, करेक्ट? तो यस, इट्स अ गुड अटेम्प्ट. चलिए देन गाइस, गुड आफ्टरनून साहिल सिंह. चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब सेशन. आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको आंसर करना है, उसके बाद हम उन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड देन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के डायरेक्शंस आपके सामने है बेटा. Are you also taking RRB exam? See, RRB exam के pre level में तो हम लोगों को English नहीं पूछा जाता, English mains level में होता है. तो जो भी questions आर हम लोग कर रहे हैं, they all are very very important for mains level भी. ठीक है? तो सबको attempt करना है. This is question number 1. क्या बोला गया है? आपको एक स्मॉल पैराग्राफ गिवन है, 3 blanks गिवन है. यू हैव टू चूज द वर्ड फ्रॉम दीज 6 words. आपको चूज करना है इन 3 blanks में आप लोग कौन कौन सा वर्ड फिट कर सकते हो. एंड दिस इज योर ऑप्शंस, ये है आपके ऑप्शंस. ठीक है? दीज आर योर ऑप्शंस. आंसर्स देना शुरू कीजिए सब लोग.
वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस. ऑल राइट, प्रियंका से हमें आंसर मिला है ऑप्शन सी. अदर स्टूडेंट्स, आशी से मिला है ऑप्शन सी. चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. शिवम ने दिया है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही. ए डी एंड एफ, दीज आर द करेक्ट आंसर. एप्रिसिएशन, नरिशमेंट एंड क्रेव. बेसिकली सेंटेंस में क्या बोला गया है, हम सभी इंडिविजुअल्स हैं, हम सबको एप्रिसिएशन चाहिए अपनी सोल की नरिशमेंट के लिए. वी आर लाइकली टू विदर एंड डाई विदाउट दिस न्यूट्रिशन, दो वी ऑल क्रेव अटेंशन. हम सबको अटेंशन और एप्रिसिएशन चाहिए, बेसिकली यही बोला गया है सेंटेंस में. सो ए डी एफ करेक्ट आंसर. वेरी वेल डन, जिसने भी सही आंसर दिया है, वेरी वेल डन गाइज. क्वेश्चन नंबर टू, अगेन यू हैव थ्री ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंगली. These are your six options, A, B, C, D, E, F. Waiting for your answers for question number 2, beta. All right, answers मिल चुके हैं हमें. प्रियंका से मिला है आंसर श्रेष्ठा, आर्षी, विवेक, शिवम. ओके, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है ऑप्शन बी होने वाला है एंड कुछ स्टूडेंट्स का कहना है ऑप्शन डी होने वाला है. द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी गाइस. बी यानी कि वेयर डू यू स्टैंड इज नी, वन ट्विटर यूजर सेड, इज प्रॉफिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, और डू यू सपोर्ट पीपल हु वॉन्ट नथिंग मोर देर लाइव्स, मोर इन देयर लाइव्स देन फ्रीडम एज. उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, कैरेक्टराइज्ड इन प्लेंटी ऑफ योर मूवीज, डू यू साइड विद चाइना, प्रिटी श्योर इट्स आंसर वन, देन अनफॉर्चुनेट. ठीक है, तो करेक्ट आंसर दीप्ति, विवेक एकदम सही. बी डी एफ इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों को गिवन है, हम एक बार वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं. रेक्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, करेक्ट बिहेवियर, गुडनेस, वर्च्यू, राइटियसनेस हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है ब्लास्फेमी, इट मींस एन एक्शन या फिर कोई ऐसा भगवान के अगेंस्ट बोलना, स्पीक अगेंस्ट रिलीजन, गॉड, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लास्फेमी. देन वी हैव पेन्यूरी, पेन्यूरी मीन्स होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी. ठीक है गाइस, सो दीज आर द वर्ड्स, सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए. मैम योर नेम, माई नेम इज तान्या आकांक्षा. चलिए थर्ड वन पे आते हैं, गिव योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन थ्री. गाइज जब भी सेंटेंस रीड करते हो, कोई भी वर्ड ऐसा दिखे जिसका मीनिंग आपको समझ में ना आए, तो आप लोग पूछ लिया कीजिए, बिकॉज मीनिंग समझ में आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली. चलिए रीड कीजिए एंड थ्री ब्लैंक्स में क्या होना चाहिए बताइए. ओके, नीरज, अभय एंड सीतू, आंसर मिल चुका है.
मैम आपके डेली क्लासेस? हाँ जी आकांक्षा, डेली क्लासेस होती हैं। आज संडे को 1 बजे क्लास थी, बट कल से आपकी क्लास होगी 2 बजे एंड देन शाम को 7 बजे। हम लोग आईपीपीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, कल से 2 बजे और 7 बजे आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। ओके, आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से, देन आंसर मिल रहा है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ए सी एंड ई। ठीक है, आफ्टर इट रिटर्न्ड टू चाइना फ्रॉम ब्रिटिश, हांगकांग हैज बीन ग्रांटेड सम पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रीडम्स दैट दोज ऑन द मेनलैंड डू नॉट एंजॉय। क्रिटिक्स फियर द न्यू बिल वुड, उसके बाद ऑप्शन ई, वुड इरोड दिस डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंट्रिकेट का मीनिंग होता है बेटा कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। डेरिलेक्शन का मीनिंग होता है नेग्लिजेंस, अबैंडन, किसी अ स्टेट ऑफ बीइंग अबैंडन हम लोग बोल सकते हैं, छोड़ देना, निग्लेक्ट कर देना, नेग्लिजेंस। ठीक है, इरोड का मीनिंग आप लोग जानते हो, इरोड का मीनिंग मीन्स डिस्ट्रॉय, स्पॉइल। सो दीज आर द वर्ड्स, करेक्ट आंसर इज ए सी ई। वेरी वेल डन। चलिए, हेलो अनिल कुमार साहू, चलिए क्वेश्चन फोर का आंसर दीजिए। आज हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चा, दे आर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही दीज आर द मेजर पैटर्न्स जो एग्जाम में फॉलो किए जाते हैं। गिव योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, आंसर हमें मिला है सीतू से, विवेक से, अनिल से, ऑप्शन ए आंसर मिल रहा है हम लोग को। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है ए डी एफ, दैट इज ऑप्शन सी। बिल्कुल सही गाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग सिर्फ मीनिंग समझ के ही नहीं कर सकते हो, आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच समझ कर भी कर सकते हो। कौन से सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच या कौन सा वर्ड फिट हो सकता है ग्रामेटिकली, आप लोग इससे भी इजिली फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। तो एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ए डी एंड एफ आर द करेक्ट आंसर्स। Reports were only rumors meant to disperse protesters and called for protesters not to be swayed. Swayed का meaning होता है move slowly. ठीक है, swayed का meaning क्या होता है, move slowly. ठीक है guys, any other meaning जो आपको समझना हो, इन words में से कोई भी meaning जो आपको मीनिंग ना पता हो आप लोग समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैनिफेस्ट का मीनिंग होता है क्वाइट ऑब्वियस, क्लियर, ऑब्वियस, डायरेक्ट। स्वेट का मीनिंग होता है बेटा मूव स्लोली। ठीक है, क्विंटेसेंशियल का मीनिंग होता है अ टिपिकल समथिंग, टिपिकल अ मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन फाइव पे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट पैटर्न करेंगे फाइव क्वेश्चन के बाद। Give your answers. Question
क्विंटेसेंशियल का मीनिंग होता है अ मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. I'm waiting for your answers for question number 5. ओके, हम लोग को आंसर मिल चुका है प्रियंका से, दैट इज ऑप्शन डी. ऑल राइट, वर्ल्ड ऑफ हीरो से आंसर मिला है ऑप्शन डी. नीरज डी, आरशी डी, विवेक डी, चितेंद्र शर्मा सी. चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एकदम सही आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन डी. बी सी एंड ई फिट होते हैं ब्लैंक्स में एकदम करेक्टली. अनिल ऑप्शन डी, यस. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. देयर हैव बीन अ फ्यू ओकेशंस इन रीसेंट टाइम्स व्हेन साइंटिस्ट हैव ड्रॉन बैक फ्रॉम रिसर्च अंटिल सम एटलीस्ट ऑफ द एथिकल, देन ऑप्शन सी एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस of its application have become clearer, as Asilomer moratorium on genetic engineering is most celebrated. ठीक है, तो मीनिंग एक बार हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं हर एक वर्ड का. स्टिम्युलस का मीनिंग क्या होता है? इंकरेजमेंट. ठीक है, ड्रॉन बैक का मीनिंग तो आप सब लोग जानते हो. कंसिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट. गोट का मीनिंग होता है अनॉय, इरिटेट. मॉरेटोरियम का मीनिंग होता है बेटा टेम्परेरी बैन ऑन समथिंग, किसी चीज पर टेम्परेरीली रोक लगना. गोट मीन्स अनॉय. ठीक है, प्रोवोक. एंड एजिटेशन का मीनिंग क्या हो गया? डिस्ट्रेस. करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. आई गेस हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग. अब आपको क्या करना है ये क्वेश्चंस में, डायरेक्शंस रीड करो ध्यान से. क्या बोला गया है हमको डायरेक्शंस में? क्या बोला गया है कि आपको कुछ वर्ड्स गिवन है. ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस गिवन है. देयर आर 5 सेंटेंसेस. आपको यहाँ से वो सेंटेंस चूज करना है जो आउट ऑफ द थीम है, यानी कि 5 सेंटेंसेस में से जो ऑड सेंटेंस है यू हैव टू मार्क दैट वन. तो ऑड कौन सा है चलिए देखते हैं. गिव योर आंसर्स. रीअरेंजमेंट नहीं करना है बेटा, आपको ऑड वन आउट करना है. बी मेसी. दिनेश का कहना है ऑप्शन बी. चितिंदर नीरज ऑप्शन बी. ऑल राइट, दिनेश का कहना है आसान है. आशी ऑप्शन बी, अनिल ऑप्शन डी, नीलेश डेबलिना ऑप्शन बी. हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर हम लोग सेंटेंसेस रीड करें, स्किमिंग करें हम लोग सेंटेंसेस का, तो हमको क्या समझ में आता है? ऑप्शन ए सी डी एंड ई में किसके बारे में बात हो रहा है? सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रहा है. करेक्ट. बट इन द ऑप्शन बी इन द नेम ऑफ द मेसी सबको समझ में आता है फुटबॉल के बारे में बात हो रहा है. तो ऑब्वियसली दिस इज ऑड सेंटेंस. सभी सेंटेंसेस में से ये ऑड है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट. वेरी वेल डन. मूविंग ऑन, क्वेश्चन 7, सेम पैटर्न, ऑड वन आउट. सेंटेंस को फील करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, फील नहीं, आपको रीड करना है. रीड द सेंटेंसेस, बेसिकली स्किमिंग कीजिए, फटाफट
सेंटेंसेस को रीड कीजिए, देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑड वन आउट कीजिए। शिवम का आंसर मिला है ऑप्शन बी चिराग, ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन ए दिनेश, ए चतिंदर, वर्ल्ड ऑफ हीरोज, ऑप्शन ए। ओके, सभी स्टूडेंट से हमें आंसर मिला है ऑप्शन ए। वेरी वेल डन गाइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। बी सी डी एंड ई में बात किसके बारे में हो रहा है, रघुराम रंजन के बारे में बात हो रहा है, करेक्ट। सबने देखा यहाँ पर डॉक्टर रंजन, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर राजन, रघुराम राजन, करेक्ट, इनके बारे में बात हो रहा है। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर एयरपोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं करता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलिए एट क्वेश्चन, अगेन ऑड वन आउट। I would be graduating today had I not got influenced by the success stories of many dropouts. Okay, चिराग ने हम लोगों को सेंटेंस दिया है एंड उन्होंने कहा है कि एरर फाइंड आउट करना है। गाइज आपके चार्ट में एक सेंटेंस अवेलेबल है, फाइंड आउट कीजिए इफ देर इज एनी एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तब तक हमें आंसर्स मिल चुके हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन एट का आंसर ऑप्शन सी है गाइस। सभी के सभी सेंटेंसेस एक्सेप्ट सी हम लोग चेक करें तो हम लोग को दिख रहा है एंड्रॉइड के बारे में बात हो रहा है, एंड्रॉइड क्यू के बारे में बात किया जा रहा है इन द ईच एंड एवरी सेंटेंस एक्सेप्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हाउसेस इन लार्ज सिटीज, उनका जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द ऑड सेंटेंस हियर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले चिराग ने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है गाइस, प्लीज आंसर कीजिए उस क्वेश्चन को। Is this sentence correct? I am confused. The vertical focus on support will focus on supporting this segment of customers in their journey to becoming. In their journey to becoming, nahi, in their journey to become entrepreneurs. Rahul, to become hona chahiye. ओके, आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन ई फॉर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए चेक करते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम लोग सभी सेंटेंसेस रीड करें क्लियरली हम लोग को समझ में आता है अमेज़न के बारे में बात चल रहा है इन ईच एंड एवरी सेंटेंस, राइट। अमेज़न अकाउंट इन दीज सेंटेंसेस एंड इन सेंटेंस ई PNB Housing Finance Limited के बारे में बात हो रहा है, obviously this sentence is odd, option E is the answer, yes. Next one, question 10. क्लियरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन डी है गाइस। इन ऑल द सेंटेंसेस वी कैन क्लियरली सी वोडाफोन के बारे में बात हो रहा है, करेक्ट।
इन ऑल द सेंटेंसेस वोडाफोन के बारे में बात हो रहा है एंड इन द ऑप्शन डी आईबीएम के बारे में बात हो रहा है. क्लियरली ऑप्शन डी इज द आंसर. वेरी वेल डन, बहुत आसान थे क्वेश्चंस, करेक्ट. आगे आ जाते हैं, अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है. ठीक है गाइस, अभी हम सबको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने हैं. एंड क्या करना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. डायरेक्शंस में आपके पास कुछ पैसेजेस गिवन है. देर आर फाइव पैराग्राफ्स इन टोटल, थ्री पेजेस में पैराग्राफ्स डिवाइड हैं क्योंकि एक ही स्लाइड पे आपको क्वेश्चन शो करना वॉज नॉट ईजी फॉर मी. सो इन थ्री स्लाइड्स हम लोगों ने पैसेज को डिवाइड किया, इन फोर स्लाइड्स एक्चुअली. ठीक है, यू हैव फोर स्लाइड्स जिसमें पैसेज को हम लोगों ने डिवाइड किया है फाइव पैराग्राफ्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइव पैराग्राफ्स वी हैव 10 सेंटेंसेस आपको आंसर करना है. सो पहले मैं आपको पैसेज शो कर रही हूँ. इफ यू वॉन्ट पैसेज तो आप बता दीजिए, पैसेज देखना चाहते हैं पहले. इफ यू वॉन्ट क्वेश्चन फर्स्ट तो आप अकॉर्डिंगली प्लीज मुझे बता दीजिए. क्वेश्चंस फर्स्ट बता दीजिए. किसी ने भी आंसर नहीं दिया. चिराग हमें आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं. लेट मी सी वेयर वाज द सेंटेंस. आई वुड बी ग्रेजुएटिंग टुडे हैड आई नॉट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सक्सेस स्टोरीज ऑफ आई वुड हैव बीन ग्रेजुएटिंग टुडे. ये होना चाहिए करेक्शन. ठीक है मैम, पैसेज में स्पीड कैसे इम्प्रूव करें? पैसेज में स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आपको स्किमिंग आना चाहिए बेटा. ठीक है, स्किमिंग क्या होता है? एक पैराग्राफ को जल्दी जल्दी से रीड करके उसमें जो हाइलाइट्स आपको गिवन है, जो बेसिक आइडिया ऑफ द पैराग्राफ अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, देन क्वेश्चंस पे जाके कीवर्ड्स को मार्क करके पैसेज में ढूंढिए. ठीक है, ओके. क्वेश्चंस चाहिए तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन. आई गेस आप क्वेश्चन रीड कर चुके हो. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट फैक्ट्स डिड द ऑथर सीईओ डिस्कस विद हर टीम व्हाइल मेकिंग स्ट्रेटजिक चेंजेस इन द कंपनी. सो दिस इज द पैसेज गाइस, पैराग्राफ वन. फटाफट से देखिए. एंड प्लीज गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए आप कौन सा पैराग्राफ रीड करना चाहते हैं. अकॉर्डिंगली मैं स्लाइड्स को शिफ्ट करूंगी. पैरा जंबल कब करेंगे? पैरा जंबल लास्ट में करेंगे. लास्ट क्वेश्चन आपका पैरा जंबल्स पर बेस्ड होगा.
गाइस प्लीज आंसर द क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक क्वेश्चन आंसर करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। अब तक तो आप लोग पैराग्राफ पे स्किम कर चुके होंगे। अनिल पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो बेटा, जब हम पैरा जंबल्स के क्वेश्चन पर आएंगे अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके आशीष से आंसर मिल चुका है। प्रणव दिस इज क्वेश्चन वन। ओके प्रणव से आंसर मिल चुका है एंड आशीष से आंसर मिल चुका है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही गाइस, सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर का आपको कहां पर मिलेगा, अगर आप लोगों ने रेफर किया पैराग्राफ थ्री, तो यहीं पर आप लोग अगर इस पैराग्राफ को रीड कर चुके हैं तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर वन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। जल्दी से रीड कीजिए, उसके बाद मैं आपको पैराग्राफ शो करूंगी एक बार। वंस यू रीड द क्वेश्चन, एक बार प्लीज थम्स अप दीजिएगा। नीरज ने भी दिया आंसर। ओके नीरज, चलिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। गिव मी अ थम्स अप वंस यू रीड द क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग पैसेज पे मूव करेंगे। डन, ओके। पैराग्राफ वन, जब नेक्स्ट पैसेज पे मूव करना है प्लीज मुझे बता दीजिएगा। नीरज से आंसर मिला है ऑप्शन ए। ओके पैराग्राफ टू, वोकैबुलरी के लिए क्या करें। वोकैबुलरी के लिए बेटा रीडिंग करो, वर्ड्स नए वर्ड्स सीखो, नए वर्ड्स को याद करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो उन वर्ड्स का। प्रैक्टिकली अगर आप यूज करोगे तो द मोस्ट हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है ये वर्ड्स को याद करने की। ओके प्रणव से आंसर मिल चुका है ऑप्शन वन। नीरज से आंसर मिल चुका है ऑप्शन वन। ओके प्रियंका से एंड आशी से भी आंसर मिल चुका है। दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर यू गाइस इफ यू वांट टू रीड द पैराग्राफ, ओके ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन टू चेक करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ कंपनी लीडर शुड मेक श्योर टू अंडरटेक चेंज। आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने पैराग्राफ थ्री पैराग्राफ फोर रीड किया है, ठीक है, पैराग्राफ टू में भी वैसे आप लोगों को यहाँ पर हिंट मिल जाता है ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन थ्री पे मूव कर रहे हैं गाइस, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। 10 क्वेश्चंस करने हैं हमें अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अब तक अगर आप तो पैसेज स्किम कर चुके हो, अब आपको पता लगना चाहिए कि व्हाट शुड बी द करेक्ट टाइटल। बताइए, इसके लिए तो पैसेज पे मूव करने की जरूरत नहीं है आई गेस। प्रणव से आंसर मिला है ऑप्शन डी।
ऑप्शन बी। हेलो वेसा दुर्गेश, वेलकम टू द क्लास। अगर हम लोगों ने पैसेज स्किम किया तो हम लोगों को इजीली हम लोग ये समझ सकते हैं कि पैसेज मेनली डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हैं, व्यूज हैं, हाइलाइट्स, उसके बारे में बात कर रहा है पैसेज, जो भी हमको पैराग्राफ दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट टाइटल फॉर द पैसेज, क्योंकि पैसेज जब हम लोग रीड करते हैं इट मेनली डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, इट्स व्यूज, हाइलाइट्स, दीज आर द थिंग्स जो बेसिकली पैसेज में डिस्कस किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? If you want to read the passage again, you can guide me accordingly, guys. ओके, प्रणव एंड प्रियंका आंसर दे चुके हैं। करेक्ट आंसर ई और ए, आशी ऑप्शन ई। लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। गाइस, आप लोगों को यहीं से हिंट मिल जाता है इस क्वेश्चन का, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। वेरी वेल डन। मूविंग ऑन, लास्ट पैराग्राफ। ओके, दिस इज द लास्ट पैसेज। सो दिस इज योर क्वेश्चन 5। जल्दी से रीड कीजिए एंड गिव योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द डायलॉग बेस्ड प्लानिंग मॉडल फॉलोइंग बाय यूरोपियन रिटेल बैंक? प्रियंका एंड प्रणव से आंसर मिला है ऑप्शन सी। चलिए चेक करते हैं क्या करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायलॉग बेस्ड प्लानिंग मॉडल? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 5। आगे आते हैं क्वेश्चन 6। जल्दी से रीड कीजिए। इन ऑर्डर टू सक्सीड विद एन इनिशिएटिव ऑफ चेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट?
ओके प्रियंका हैज आंसर्ड पैरा फाइव ऑप्शन सी सी अभी तो पढ़ा करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगर आप लोगों ने पैसेज फाइव रीड किया है दिस पैसेज तो यहाँ से आप लोग क्लियरली आंसर कर सकते हो. ठीक है करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स. मूविंग ऑन क्वेश्चन सेवन. क्वेश्चन सेवन गोइंग ऑन गट्स इसका मीनिंग तो बिना पैसेज के भी आप लोग दे सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज गोइंग ऑन गट्स. आप सभी आंसर दे रहे हो. आप प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे थे. वेरी नाइस. चलिए करेक्ट हो आप सब. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. गोइंग ऑन गट्स मींस टू ट्रस्ट और फॉलो इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट. ठीक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. यस चलो आगे आ जाते हैं. क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सोनास मेंशन्ड इन द पैसेज. आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है फ्रॉम द ऑप्शन. कॉम्प्रिहेंशन इसमें पढ़ना मुश्किल होता है इसीलिए आंसर्स नहीं मिले. ठीक है जी ऑप्शन सी. ओके प्रणव नीरज वंदिता ऑप्शन सी आंसर मिला है बिल्कुल सही. पर्सोनास मींस पर्सनालिटी कैरेक्टर आइडेंटिटी राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए क्वेश्चन नाइन ऑफ द पैसेज. मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइसी. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. प्रियंका एंड प्रणव से आंसर मिला है ऑप्शन डी दैट इज अनसर्टेन. राजकुमार ऑप्शन डी. गोविंदा डेंजरस. आशी ऑप्शन डी. डाइसी मीन्स अनसर्टेन गाइस. ठीक है ये बहुत कॉमन वर्ड है आप लोग वैसे भी यूज करते हो. डाइसी का मतलब होता है अनसर्टेन जो अनश्योर है. ठीक है चलिए टेंथ वन पे आते हैं. स्ट्रैटेजिक अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताइए. डेंजरस होता है डाइसी. डाइसी को हम लोग डेंजरस नहीं कह सकते हम समथिंग अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं. ठीक है तो अनप्रिडिक्टेबल डेंजर उस तरीके से आप लोग बोल सकते हो. तो इसीलिए हम लोग अप्रोप्रिएट वन चूज करेंगे दैट इज अनसर्टेन. ओके आंसर मिला है प्रणव से ई. राजू कुमार ए. गोविंदा ए. चिराग ई. प्लांट गोविंदा. श्रेष्ठा ऑप्शन ई. स्ट्रैटेजिक का मीनिंग बेटा प्लांट प्रूडेंट क्लेवर श्रूड सबके सब ऑप्शंस एकदम सही है. ऑल ऑफ दीज इस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इन सम वे. ठीक है स्ट्रैटेजिक्स मतलब प्लांट बोलना सही है बट हम प्रूडेंट भी बोल सकते हैं. प्रूडेंट मीन्स कॉशियस अवेयर करेक्ट जो सोच समझकर कोई एक्शन करता है विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी विद सम प्लान. क्लेवर एंड श्रूड सिनोनिम्स हैं ऑब्वियसली सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रैटेजिक इज द करेक्ट आंसर. ठीक है
All of these words in some way are the synonyms of this particular word. So answer क्या होना चाहिए? Option E. Skilled in decision making, prudent. Yes, बिल्कुल. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. सेट ऑफ फाइव क्वेश्चंस. आपको क्या करना है? दो सेंटेंसेस गिवन है, दिस वन एंड दिस वन. यू हैव टू कंबाइन यूजिंग द स्टार्टर्स और द कनेक्टर्स गिवन हियर. चूज करना है कौन इसे करेक्टली स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इन स्टार्टर्स को यूज करते हुए, दैट सेंटेंस का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट एकदम सेम रहना चाहिए जो आपको गिवन है. ओके, आशी से हमें आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन बी. चिराग ओनली वन, श्रेष्ठा ओनली वन. बिल्कुल सही गाइस, यू ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओनली वन, जो फर्स्ट सेंटेंस में हमें स्टार्टर गिवन है, दैट इज द ओनली वन जो कनेक्ट कर सकता है इन दो सेंटेंसेस को. कनेक्ट कैसे करेगा, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? चेन्नई हैव बीन वर्चुअली टर्न्ड इनटू अ फोर्ट्रेस विद अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स व्हाइल द ब्यूटिफिकेशन और एंड द अदर प्रिपरेशन. उसके बाद हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं. तो यस, द ऑप्शन वन इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन टू, चलिए चूज कीजिए अपना स्टार्टर. ओके, प्रियंका एंड प्रणव से आंसर मिला है ऑप्शन बी, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट. ऑप्शन बी राजू कुमार, ऑप्शन डी. चलिए चेक करते हैं क्या करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन जो एकदम सही से स्टार्टर यूज होगा इस सेंटेंस में. दैट इज कैसे कनेक्ट करोगे, द वॉल टॉवरिंग ओवर द शॉप्स दैट विल रिमेन शट, देन कॉमा सपोर्टेड रंगोली आर्टवर्क इन सम स्ट्रेचेस एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, मतलब ये वाला ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस ऑप्शन वन दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Give your answers for this question. ओके, सो आंसर्स हमें मिले हैं डेबुलिना से ऑप्शन डी, प्रणव ऑप्शन डी, बुद्धराम ऑप्शन ई, चिराग डी, आशी सी, प्रियंका डी, नीरज डी.
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, दिस वन इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कंबाइन करेगा. कैसे करेगा एक बार चेक कर लेते हैं. द एंटायर कोस्टल टाउन हैज बीन डॉटेड विद अराउंड 100 ऑर्नामेंटल राइट्स व्हाइल वेलकमिंग आर्क्स हैव बीन इरेक्टेड एट द एंट्री पॉइंट टू द टाउन. यहाँ पर आप लोग व्हाइल का यूज कर सकते हो एंड यहाँ से सेंटेंस आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन डी करेक्ट. चलिए फोर्थ वन, गिव योर आंसर्स. How C S that is already mentioned in the paragraph. Pranav, आप किस question की बात कर रहे हैं? Okay, Pranav and Chirag से answer मिला है अभी तक option D. नीरज ऑप्शन डी, प्रियंका ऑप्शन डी, गोविंदा ऑप्शन डी. बिल्कुल सही हो गाइस, ओनली टू. दिस वन इज वेरी वेरी इजी. वेलकमिंग द समिट, अ नेशनल इंटीग्रेशन रैली वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर ऑन वेनसडे. ठीक है, उसके बाद आप लोग अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हो. सो यस, ऑप्शन डी इज द ओनली ऑप्शन, दैट इज दिस वन. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे. Some folks mention answer C. Okay, ठीक है ठीक है. चलिए ऑप्शन क्वेश्चन फाइव का आंसर दीजिए जल्दी से. ओके, प्रणव, देबुलीना एंड प्रियंका से हमें आंसर मिला है ऑप्शन वन, दैट इज थर्ड वन इज द करेक्ट. ओके, राजू, वंदिता ऑप्शन ए, गोविंदा ऑप्शन थ्री, ओनली थ्री. बिल्कुल सही गाइस, यू ऑल आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ओनली थ्री, दैट इज ऑप्शन ए, दिस वन. कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग. प्लेन क्लोथ्स मैन आर स्वार्मिंग द टाउन रोड्स एंड द इंस्पेक्शन बंगलो इज टीमिंग विद टॉप स्टेट एंड पुलिस ऑफिशियल्स. ठीक है, बहुत आसान था ये. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, अब हम लोग करने वाले हैं क्लोज पैसेज. ठीक है, दिस इज योर क्लोज टेस्ट. ये आपका क्लोज टेस्ट है. अब आपको स्क्रीन पे बार बार देखने में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए मैंने आपको आपके लिए क्लोज टेस्ट को डिवाइड कर दिया है. ठीक है, लाइक फर्स्ट ब्लैंक का जो भी सेंटेंस है देन उसके ऑप्शन, सेकेंड ब्लैंक का जो भी सेंटेंस है देन उसके ऑप्शन. सो एक बार आप लोग पैसेज स्किम कर लीजिए, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे पैसेज अटेम्प्ट करना. ठीक है, मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया है क्लोज को, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए. स्लाइड्स को बार बार स्किप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. चलिए बच्चा, अगर आप लोग स्किम कर चुके हैं पैसेज को तो क्या क्वेश्चंस पे मूव किया जाए. पैसेज स्किम करना क्लोज टेस्ट के केस में, स्किमिंग मतलब टोन ऑफ द क्लोज टेस्ट जो है वो आपको समझना है, एनालाइज करना है.
Okay then. So this is the first part of the clothes. Give your answers. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्या आपको बहुत, आपको सेंटेंस विजिबल नहीं है क्या? साइज बहुत छोटा है क्या? ओके, सो आंसर्स हम लोग को मिल चुके हैं. दैट इज पावर फॉर क्वेश्चन वन. बिल्कुल सही गाइस, पावर इज द करेक्ट आंसर. इट्स सेड टू रिटर्न टू पावर एट द सेंटर. यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सेकेंड ब्लैंक. गिव योर आंसर्स. हिंदू का इलेक्शन एनालिसिस था या? चलिए गाइस आंसर दीजिए क्वेश्चन टू का. ओके, प्रतीक एंड पर प्रणव आंसर दे चुके हैं. लैंडस्लाइड चिराग आंसर दे चुके हैं. नीरज ऑप्शन ई, दैट इज लैंडस्लाइड. बिल्कुल सही, द करेक्ट वन इज लैंडस्लाइड विक्ट्री. मीन्स ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिजल्ट, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ वोट्स या लार्ज नंबर ऑफ वोट्स जो है वो मिले हैं, उसके लिए कहा गया है लैंड स्लाइड विक्ट्री. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई. ठीक है, पहले भी कराया है मैम ये शायद. आई डोंट रिमेम्बर अगर हमने ये पहले किया है तो. चलिए थर्ड पे आते हैं. ऑल राइट, नीरज एंड प्रणव से आंसर मिल चुका है, दैट इज रिटेन्ड. बिल्कुल सही गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज रिटेन्ड. यस, बिल्कुल सही, रिटेन मींस टू कीप, करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन पे देखते हैं. आपको फिल इन करना है, प्लीज नंबर्स मार्क कर दीजिएगा. आप जब भी फोर्थ मार्क कर रहे हैं या फिफ्थ मार्क कर रहे हैं, मैम एडिटोरियल नहीं कराती हैं क्या? नहीं,
लेकिन कमिंग लेक्चर्स में आई विल ट्राई कि मैं आपको एडिटोरियल रीडिंग भी करवाऊँ. ओके, E4C5. ओके, राज आर्यन, मैं ज़रूर करवाऊंगी एडिटोरियल रीडिंग भी आप लोगों को जल्दी ही. फिफ्थ का आंसर मिला है सी, देन फोर्थ का मिला है ई. चलिए चेक करते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. फोर्थ वन का आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज करंट. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग रीड करें सेंटेंस को, प्रीवियस जो सेंटेंस था हम लोग रीड करें, तो यहाँ पर क्या बोला गया, अप फ्रॉम इट्स प्रीवियस टैली ऑफ जस्ट टू सीट द बीजेपी करंट टैली विद वोट शेयर. प्रीवियस की बात हुई है तो उसके बाद करंट, यहीं से हिंट मिल जाता है. एंड फिफ्थ वन की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ वन इज द मैसिव, करेक्ट, ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, गिव योर आंसर्स. फोर्थ ही, फिफ्थ सी, बिल्कुल सही आर्शी, फिफ्थ सी. यस, फिफ्थ का आंसर सी ही है. सिक्स का आंसर दीजिए अब. His mother and United Progressive Alliance chief Sonia Gandhi, however, dashed to hold on to the family pocket. ऑल राइट, आंसर मिल रहा है ऑप्शन सी, मैनेज्ड, बिल्कुल सही. हाउ एवर मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू द फैमिली पॉकेट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी. चलिए क्वेश्चन सेवन पे आते हैं हम लोग. गिव योर आंसर्स. मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर बैंक, आई टीच इंग्लिश फॉर बेसिक्स. अरविंद, आप टीच करते हैं और यू वॉन्ट मी टू टीच बेसिक्स? ओके, प्रणव, बुधराम, चिराग, नीरज, आंसर मिला है हमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दैट इज 12. आशी ऑप्शन ए, राजारिन ऑप्शन ए, नीरज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन सेवन. बिल्कुल सही गाइस, वेरी वेल डन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. विद द अलायंस लीडिंग इन 36 सीट्स ऑफ 39 सीट्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत आसान है. चलिए एट्थ वन जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब लोग, उसके बाद नाइन्थ एंड टेंथ, देन हम लोग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे. मैम इंग्लिश नहीं आती मेरे को. एंड अरविंद, आप कल 2 बजे देन शाम को 7 बजे क्लास ज्वाइन करना. 2 बजे हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस प्रैक्टिस एज इन एरर स्पॉटिंग का प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग बेसिक्स रिवाइज करेंगे सभी ग्रामर के. एंड 7 बजे आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेशन जो इवनिंग में होता है. तो कल से 2 बजे और 7 बजे क्लासेस ज्वाइन करना, बेसिक्स से हम लोग करेंगे. चलिए गिव मी आंसर्स. प्रणव ने आंसर दिया है डी, बुद्धराम ने ऑप्शन दिया है सी, अमित ऑप्शन डी. यस, ऑन यूट्यूब. ओके, चलिए चेक करते हैं क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए फॉर द क्वेश्चन.
The Congress is also looking to sweep most of the 20 seats in Kerala. The results beat exit poll forecasts, most of which said Congress win 15 to 16 seats. The correct answer is forecast. ठीक है, इट मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स बेसिकली, या फिर वेदर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ द सीट्स और द इवेंट्स, हम लोग कह सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फोरकास्ट. नाइन्थ एंड टेंथ लास्ट क्वेश्चंस, जल्दी से आंसर कीजिए. आज भी क्लास है क्या 7 बजे? नहीं बेटा, आज 7 बजे क्लास नहीं है, कल होगी 2 बजे, दिन 7 बजे. ठीक है, अकेडमी लर्निंग ऐप पर 4 बजे. नाइन्थ का ऑप्शन डी आंसर मिला है, दैट इज टर्न आउट. ओके, नाइन डी, टेन डी, श्रेष्ठा डी, आशी डी, चिराग, टर्न आउट. मैम एक दिन आपकी क्लास में मिलियन व्यूज होंगे. थैंक यू प्रतीक, आई होप जल्दी ऐसा हो. टेन डी, ओके. नाइन्थ एंड टेंथ का आंसर हम लोगों को मिला है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, यहाँ पर आना चाहिए टर्न आउट. ठीक है, सो द हाईएस्ट एवर टर्न आउट. यहाँ पर टर्न आउट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, बेसिकली इलेक्शंस. ठीक है, एंड टेंथ पे हम लोग आए तो टेंथ का आंसर बिल्कुल सही एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए. सो ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चन, एकदम सही, बहुत बढ़िया गाइज. चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, रीअरेंजमेंट करना है. अब रीअरेंजमेंट पे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है सेंटेंस 1 क्या है, सेकंड कौन सा होना चाहिए, थर्ड कौन सा होना चाहिए, आपको ये बताना है. तो आपको अभी क्या करना है, इस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझे अरेंजमेंट बता दो. आई एम नॉट आस्किंग सेंटेंस 1, सेंटेंस 2 बताओ, ऐसा कुछ नहीं करना है. सिर्फ एक प्रॉपर सीक्वेंस इन 6 सेंटेंसेस का मुझे जल्दी से बता दो. ठीक है, सिर्फ सीक्वेंस बता दीजिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए. इसके बाद हम एक 10 क्वेश्चंस का क्विज करेंगे ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप, कोड मैं आपको दूंगी. ओके, प्रणव से आंसर मिला है डी सी ए बी ई एफ जी. एक स्टूडेंट से आंसर मिल चुका है डी सी ए बी ई एफ जी, वर्ल्ड ऑफ हीरोज से आंसर मिल चुका है. प्रियंका सेम आंसर, ओके. व्हाट अबाउट अदर, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे. आई वांट हर एक स्टूडेंट आंसर करे इस क्वेश्चन का.
BCABEFG मैं स्किप करता हूँ, स्किप नहीं करना है बेटा। 4 to 5 marks डिपेंड करते हैं रीअरेंजमेंट पे, कैसे स्किप कर सकते हो? नेहा से आंसर मिल चुका है। ओके चलो चेक कर लेते हैं क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस तो ऑप्शन डी है, क्लियरली विजिबल, ठीक है। द ड्रीम आइडिया ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन ग्रैंडर इन प्रॉमिस दैन इन फुलफिलमेंट एट इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी उसके बाद करेक्ट है। द ड्रीम वॉज दैट पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ अ कंट्री ऑफ सो मच डाइवर्सिटी वुड इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड राइट्स। ऑब्वियसली सी आएगा उसके बाद। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। उसके बाद चेक करते हैं ऑप्शन बी, देन ऑप्शन ई, देन ऑप्शन एफ, देन ऑप्शन जी। सो जो स्टूडेंट्स ने हमें आंसर दिया है डी सी ए बी ई एफ जी, बिल्कुल सही गाइस, डी सी ए बी ई एफ जी इज द करेक्ट आंसर। जी तो हम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया था, लास्ट वन होना चाहिए। डी सी ए भी पता चल गया था, क्लियरली विजिबल था। बी ई एंड एफ के बीच में अरेंजमेंट करना था, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर है जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। वेरी वेल डन। चलिए गाइस, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। आई ट्राई की रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का ही जो क्विज है आपका आज होगा। अभी एक कोड दूंगी सब लोग को, सब लोग को वो कोड ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है मैं हेल्प करूंगी अगर आप में से कोई भी नया है तो। All of you have to attempt the quiz. It will only take 4 to 5 minutes. सिर्फ 4 से 5 मिनट आपके लेगा ये टेस्ट। ऑल राइट, सो द कोड इज 073224। 073224 इज योर कोड गाइस। यस प्रियंका यू आर राइट, 073224 आपका कोड है बेटा। ज्वाइन कैसे करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप ओपन कीजिए, ठीक है। टॉप ऑफ द स्क्रीन पे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये 3 lines आपको दिखेंगे, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑप्शन पर जाना है, क्लिक करना है प्लस पर। iOS से क्या प्रॉब्लम है आप लैपटॉप पर ओपन कर लीजिए, वहां पर भी आप ये क्विज दे सकते हैं प्रणव। प्लस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करोगे तो आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा बेटा। टेस्ट पर क्लिक करोगे देन यू हैव टू क्लिक ऑन जॉइन क्विज। एक 6-digit कोड एंटर करना है आप लोग को, ठीक है। कोड है 073224। चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए सब लोग। 5 students ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी नाइस। एक और मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ, जल्दी से ज्वाइन कर लो। वन मोर मिनट, 073224।
और राइट गाइस, आई गेस जिसको भी ज्वाइन करना था कर चुके हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए क्विज बिगिन हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
All right, so the quiz is now over. अन अकेडमी पर न्यू कोर्स स्टार्ट करो। यस, न्यू कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। IBPS क्रैश कोर्स 2 बजे एंड शाम को 7 बजे। आफ्टर 6 PM बिल्कुल पॉसिबल है, आप शाम 7 बजे की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बजे होंगे ग्रामर क्लासेस, ठीक है, सेंटेंस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एंड 7 बजे आपका बाकी के प्रैक्टिस सेशंस होंगे। तो प्रतीश आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो आज के क्विज के टॉप स्कोरर्स हैं वो है चिराग, देन प्रतीक, देन आरशी एंड उसके बाद रवि एंड देबुलेना। बहुत कुछ खास स्कोर तो आप लोगों का नहीं रहा है, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत ही आंसर दिए हैं, बट यस, चिराग टॉप स्कोरर है, उसके बाद है प्रतीक, आशी, रवि, देबुलीना। ठीक है गाइस, सो मिलेंगे अब हम लोग कल 2 बजे देन 7 बजे। ऑलराइट, ओके देन, बाय बाय। आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड TANYA10 व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था पूछ कर क्या कर रही हैं। चलिए ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं हम लोग कल देन, बाय बाय।